बांदा जिले के पैलानी थाना क्षेत्र के खरई गांव के बजरा उसर डेरा का रहने वाला 18 वर्षीय वरदानी पुत्र स्वर्गीय संतराम निषाद आज से 11 दिन पूर्व कहीं लापता हो गया था, जिसकी सूचना उसकी मां मीरा देवी ने स्थानीय पुलिस चौकी तथा थाने में दी थी, जिसमें 8 जून को थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। वहीं आज गांव के संतू और मिलन दवा खोज ने जड़ी बूटी खोदने के लिए जंगल की ओर जैसे ही पहुंचे, तभी देखा तो एक सुनसान स्थान में नरकंकाल पड़ा हुआ था। तभी उसने गांव के लोगों को ये जानकारी दी। वहीं मीरा को जानकारी होने पर वो मौके पर देखने गई तो वहां पड़े हुए अपने बेटे के चप्पल, कपड़ा, टी शर्ट व हाफ लोअर तथा झोला को देखकर वो रोने लगी और कहा कि यही मेरा लड़का है। घटना की सूचना पाते ही मौके पर पहुंचे चौकी इंचार्ज राजेश मिश्रा तथा थाना प्रभारी संदीप पटेल तथा फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड टीम ने पहुंचकर नरकंकाल को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बांदा यूपी से विष्णु सिंह की रिपोर्ट। बांदा के थाना पहलानी क्षेत्र के ग्राम उसरी डेरा का रहने वाला वरदानी पुत्र संतराम, जिसकी उम्र करीब 19 वर्ष थी, वो दिनांक 5/6/2024 से घर से गायब हो गया था, जिसके संबंध में थाना पहलानी पर गुमशुदगी दर्ज कर उसकी तलाश की जा रही थी। कल दिनांक 16/6/24 को ग्राम उसरी खेरा के ही चौकीदार बंदा के पास जंगल में एक नरमुंड व कुछ हड्डियां पाई गईं, जिसके पास चप्पल, झोला व कुछ कपड़े पाए गए। उसको देख करके बरदानी की मां श्रीमती मीरा द्वारा पहचाना गया और बताया कि ये कपड़े व चप्पल व झोला उसके लड़के बरदानी के हैं। उक्त सूचना पर थाना पहलानी के द्वारा उसका पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। नरकंकाल का डीएनए परीक्षण भी कराया जा रहा है। सभी बिंदुओं पर गहराई से जांच कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करने हेतु थाना प्रभारी पहलानी को निर्देशित कर दिया गया है।